विषय जो भी सीखें आप, पर इसका ज्ञान जरूरी है। आपकी विजय यात्रा मानो भाषा बिना अधूरी है। मिलकर बढ़ाएंगे हम साथियों सफलता से नजदीकियां, एकाग्रता के साथ सीखेंगे मातृभाषा की बारीकियां। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप सीखेंगे हिंदी भाषा मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। नमस्कार, तेज हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 11 फरवरी दिन गुरुवार। पेश है सुबह सुबह की हरियाणा की फटाफट अंदाज की 25 बड़ी खबरें। पीएम के भाषण में 10 बार हंगामा, मोदी ने किसानों के लिए कहा उनका आंदोलन पवित्र, आंदोलनजीवी उसे अपवित्र कर रहे हैं। मंगलवार को राज्यसभा में आंसुओं से कांग्रेस के आजाद को गुलाम बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को लोकसभा में दूसरे रूप में दिखे। भाषण शुरू करते ही कांग्रेस सांसद रंजन से पूछा, दादा ठीक हो? लेकिन थोड़ी देर बाद वे भी कहा, अब ज्यादा हो रहा है। भाषण के दौरान मोदी कई दफा व्यंग्यात्मक हुए, हंसे भी, लेकिन बार बार कांग्रेस पर तलख और हमलावर होते हुए 93 मिनट के भाषण में 60 मिनट सिर्फ किसानों, उनके आंदोलन, कृषि क्षेत्र के सुधार, कृषि कानूनों पर बोलते रहे। बाकी वक्त सरकारी बातों और बयानों में उलझते ही दिखे। इस दौरान 10 बार हंगामा हुआ। भाषण शुरू होने के 45 मिनट बाद कांग्रेस कुर्सी खाली कर चले गए। मौका था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लोकसभा के जवाब का। पहली बार किसान गलत धारणाओं के शिकार है, पर आंदोलन पवित्र है। जब आंदोलन जैवी पवित्र आंदोलन को अपने फायदे के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तो क्या होता है? दंगाबाज, संप्रदायवादी, नक्सलवादी जो जेल में बंद हैं। किसान आंदोलन में उनकी मुक्ति की मांग करना कहां तक सही है? क्या टोल प्लाजा तोड़ने, टेलीकॉम टावर तोड़ने जैसे तरीके पवित्र आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास नहीं है? ये तमाम बातों पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े सवाल खड़े किए। दूसरी दफा उन्होंने बोलते हुए कहा, कृषि सुधार का सिलसिला जरूरी है, इस क्षेत्र की चुनौतियों से हमें निपटना होगा। कृषि कानूनों के तहत नई व्यवस्थाएं ऑप्शनल हैं। मैं हैरान हूं कि एक नया तर्क आया है कि हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों? लेना या नहीं लेना ये आप पर है, ये कंपलसरी नहीं है। ये ज़्यादा फायदा हो वहाँ किसान चला जाए, ये व्यवस्था हो गई है। कोई किसान न चाहे तो उसके लिए पुरानी व्यवस्था रहेगी। कृषि कानून लागू होने के बाद देश में कोई मंडी बंद नहीं हुई, न MSP बंद हुई, ये सच्चाई है। MSP की खरीद भी कानून बनने के बाद बढ़ी है। किसानों से आग्रह करूंगा कि आइए मिलकर चर्चा कीजिए, बदलाव से हमें संकोच नहीं है। मोदी कोरोना के दौर में भी आय व्यवस्थाएं चलती रहने का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना के बावजूद जनधन आधार मोबाइल के जरिए 2 लाख करोड़ रुपये लोगों तक पहुँचाए हैं। आधार गरीब के काम आया, लेकिन आधार को रोकने के लिए कौन सुप्रीम कोर्ट गया था? हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले। विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से होगा। किसान आंदोलन के कारण बड़ी तारीख। मनोहर सरकार की अध्यक्षता में चंडीगढ़ सिविल सचिवालय में बुधवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। सभी की सहमति से मुख्यमंत्री ने उन पर मोहर लगाई। इसके साथ ही बजट सत्र की तारीखों का भी ऐलान किया गया। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होगा। 10 मार्च को बजट पेश किया जा सकता है। किसान आंदोलन के चलते बजट की तारीख बढ़ाई गई है। सरकार को उम्मीद है कि फरवरी महीने में किसान आंदोलन निपट सकता है। बैठक में जनहित से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए गए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि बैठक में ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपये एडवांस तैयारी के लिए देने का फैसला किया गया है। हरियाणा HRDFA के कर्मचारियों को भी पेंशन मिलेगी। NCR व NCR में आने वाले ऑटो रिक्शा व टैक्सियों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। हैफर्ड 16 जगहों पर अपने गोदाम बनाएगा। टोल लेने वाली कंपनियों से राज्य सरकार सड़कों की मरम्मत करवाने का काम लेगी। महेंद्रगढ़ से अटेली जा रही सड़क पर टोल हटाने का फैसला सरकार ने कर लिया है। निकिता तोमर हत्याकांड मामले में SIT ने 18 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की। बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में मंगलवार को विशेष जांच टीम ने 18 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में पेश की है। इस चार्जशीट में कुल 10 गवाह बनाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर केस की सुनवाई में BK हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रशांत कुमार की गवाही हुई। उन्होंने आरोपी तौशीफ का DNA टेस्ट करवाने के लिए ब्लड सैंपल लिए थे। उनकी जांच रिपोर्ट मधुबन लैब से आ चुकी है, जो उन्होंने कोर्ट में पेश की। जांच में ब्लड तौशीफ का ही मिला है।
हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए काम की सबसे बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 20 अप्रैल से होंगी, पाठ्यक्रम में भी 30% की कटौती। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है। परीक्षाएं 31 मई तक चलेंगी, डेटशीट तैयार की जा रही। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। हरियाणा में 15 फरवरी से नहीं खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, नए शिक्षा सत्र में शुरू होगी क्लासें। हरियाणा के सरकारी स्कूल खोलने और उनमें पढ़ाई की व्यवस्था को लेकर सरकार बार बार अपने फैसले बदल रही है। कोरोना की वजह से पिछले करीब एक साल से बंद प्राइमरी स्कूलों में इस शिक्षा सत्र में अभी पढ़ाई नहीं हो सकेगी। अब राज्य में प्राइमरी स्कूल 15 फरवरी से नहीं खुलेंगे। राज्य के प्राइमरी स्कूलों में अब अगले शिक्षा सत्र से ही कक्षाएँ लग सकेंगी। पहले संभावनाएं जताई जा रही थी कि 15 फरवरी से हरियाणा में प्राइमरी स्कूलों को खोल दिया जाएगा। इसके लिए अभिभावक और बच्चे भी मनोवैज्ञानिक रूप से खुद को तैयारी करने में लगे थे, लेकिन अब सरकार ने 15 फरवरी से प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला टाल दिया है। शिक्षा मंत्री ने बातचीत में कहा है कि अब मौजूदा शिक्षा सत्र के संचालन के लिए समय नहीं बचा है। ऐसे में पहली से पाँचवीं कक्षा तक की नियमित पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं खोले जा सकेंगे। हरियाणा में बनेगा उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई का कानून। हरियाणा में विभिन्न आंदोलनों, दंगों और उपद्रव के दौरान होने वाले सरकारी अथवा गैर सरकारी नुकसान की भरपाई उन्हीं लोगों से होगी जिन्होंने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। हरियाणा सरकार इस संबंध में कानून बनाने पर विचार कर रही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हालांकि ऐसा कोई विधेयक पेश नहीं हो पाया, लेकिन गृह मंत्री विज ने यह कानून बनाने की पेशकश की है। गृहमंत्री विज ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आंदोलन, दंगे, हड़ताल अथवा किसी भी उपद्रव में सरकारी या गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कानून बनाने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इस बारे में अध्ययन करने के लिए विभाग के अधिकारियों को कहा जाएगा। बता दें कि कानून के मसौदे पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होनी थी, लेकिन हरियाणा में पिछले 6.5 साल के दौरान हो चुके आंदोलन के मद्देनजर यदि यह कानून लागू हो गया तो असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी, लिहाजा इस कानून के प्रारूप पर चर्चा को अधर में ही छोड़ दिया गया है। किसान नेताओं को सरकार के प्रस्ताव का इंतजार, करेंगे रेल चक्का जाम और राजस्थान में टोल फ्री। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने बुधवार को बैठक की। बैठक में यह बात भी उभरकर सामने आई कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद बातचीत होनी चाहिए, लेकिन किसान संगठन इसके लिए सरकार की ओर से प्रस्ताव का आने का इंतजार कर रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि पीएम का सम्मान करते हैं। बैठक के बाद किसान नेताओं ने आंदोलन के अगले चरण का ऐलान भी किया। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 18 फरवरी को देश भर में रेल रोकने का आह्वान किया गया है। कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लगभग सभी जथेबंदियों व किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक के बाद मोर्चा ने आंदोलन के अगले चरण के लिए 4 नई रणनीति तैयार की है। इसमें सबसे अहम 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे देश में रेल का चक्का जाम करने का निर्णय है। इसके अलावा किसानों ने 12 फरवरी से राजस्थान में हरियाणा व पंजाब की तर्ज पर सभी नेशनल व स्टेट हाईवे के टोल फ्री करवाए जाने का फैसला किया गया है। किसानों का आंदोलन पकड़ेगा रफ्तार, लिए गए कई अहम फैसले। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने अब आंदोलन को तेज करने की योजना बना ली है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। हरियाणा में कोरोना के 77 नए पॉजिटिव केस आए सामने। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3033, जिसमें से 2052 पुरुष व 980 महिलाएं, ट्रांसजेंडर भी शामिल। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट में सुधार, अब कोरोना 98.55% के रिकवरी रेट पर पहुंचा। वहीं पर प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 268,670 पर पहुंची है। वहीं पर पिछले 24 घंटों में 107 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है, तो 77 नए कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें चरखी दादरी, नूह, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी व सोनीपत में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं मिला है। गुरुग्राम में 28, फरीदाबाद में 2, हिसार में 2, अंबाला में 3, करनाल में 2, पानीपत में 4, रोहतक में 3, पंचकुला में 7, कुरुक्षेत्रा में 5, यमुनानगर में 3, सिरसा में 3, झज्जर से 8, पलवल से 1, कैथल जींद से 3 शख्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आगे बढ़ी तारीख। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के आवेदन के लिए तारीख आगे बढ़ा दी है। अब आवेदक 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस कांस्टेबल के 7298 पदों पर 11 जनवरी 2021 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इस भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार
आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए आवेदन करने से पहले जारी किया गया नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। योग्य उम्मीदवार 25 फरवरी 2021 तक HSSC कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए आवेदन और 28 फरवरी तक पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए आवेदन शुल्क जमा करवा सकते हैं। इनसो की नई आधुनिक वेबसाइट और एप्लीकेशन लॉन्च। JJP की छात्र इकाई इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने सोशल मीडिया के क्षेत्र में मजबूत कदम रखते हुए अपनी नई आधुनिक वेबसाइट पर एप्लीकेशन लॉन्च की है। इनसो की इस नई वेबसाइट पर एप्लीकेशन पर इनसो से जुड़ी जानकारी, इनसो व संगठन के नेताओं के आगामी कार्यक्रम, ऑनलाइन सदस्यता अभियान, मैपिंग सिस्टम के जरिए इनसो पदाधिकारियों से संपर्क कर सहायता प्रदान करने के सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने आदि कार्य एक क्लिक से होंगे। बुधवार को चंडीगढ़ स्थित इनसो के केंद्रीय कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में JJP के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह, इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने www.insooffical.org वेबसाइट पर एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। हरियाणा के 4 लाख किसानों के PM किसान योजना से काटे गए नाम। PM किसान योजना से जुड़े करीब 4 लाख किसानों के नाम योजना से काटे गए हैं। पता चला है कि कई किसान इनकम टैक्स अदा कर रहे थे तो कुछ के आधार कार्ड मिसमैच मिले, साथ ही कई के लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन में सही नहीं पाए गए। इसके बाद 4 लाख किसानों के नाम काटे गए हैं। आधार कार्ड से जुड़ने के बाद ये चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। नगर परिषद का कर्मचारी रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों किया काबू। हरियाणा के जिला जींद की नगर परिषद भ्रष्टाचारियों का अड्डा बनती जा रही है। बुधवार को यहां एक कर्मचारी रिश्वत लेते रंगों हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कर्मचारी ने एक व्यक्ति से 10,000 की रिश्वत मकान की प्रॉपर्टी ID बनाने के नाम पर मांगी थी, जिसमें से 7500 रुपये पहले से ले चुका था। विजिलेंस टीम ने शिकायत के आधार पर छापेमारी कर बाकी 2500 की रिश्वत लेते हुए आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित व्यक्ति को पिछले कई दिनों से कार्यालय के चक्कर कटवा रहा था। फिलहाल विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार कर करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। नवी नवेली दुल्हन ने फांसी लगाकर दे दी जान, अभी 1 हफ्ता पहले हुई थी शादी। अभी शादी हुई हुई 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था कि उससे पहले ही नई नवेली दुल्हन ने फांसी लगाकर जीवन लीला हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर ली। मामला हरियाणा के पानीपत में सामने आया है। जानकारी के अनुसार मूल रूप से नेपाल के निवासी वे पिछले 25 सालों से करनाल जिले के कोहंड गांव में रहने वाली एक सोनिया की शादी 6 दिन पहले इंदिरा कॉलोनी के राहुल के साथ हुई थी। 2 दिन पहले वे अपने ससुराल रहने के लिए आई थी। इसी बीच बुधवार उसने फांसी लगाकर जान दे दी। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां पर जाँच शुरू कर दी गई है। गुरनाम सिंह चंदूनी का बड़ा बयान, बोली हरियाणा में सरकार जल्द टूट जाएगी, ये अब नजर आने लगा। किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी बुधवार को यमुनानगर टोल प्लाजा पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए आगामी रणनीति के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में आंदोलन पूरी तरह से कामयाब है। किसान भारी संख्या में तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मोदी जितना झूठ प्रधानमंत्री आज तक देश में नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार जल्द टूट जाएगी, ये नजर आने लगा। चंदूनी ने कहा कि जो सरकार लोगों की बात नहीं सुनती उसे सत्ता में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम गलत हैं तो किसानों के बीच आकर समझाएं। किसान नेताओं की मदद के लिए इमरजेंसी ब्रिगेड रवाना, युवा बोले हम किसानों के साथ। हिसार रोड पर स्थित टाउन पार्क के बाहर से भारी संख्या में इमरजेंसी ब्रिगेड के तौर पर कार्य करने के लिए नौजवान युवा गाड़ियों का काफिला लेकर टिगरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे किसी भी आपात स्थिति में आने पर किसान नेताओं के साथ खड़े रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में अपना भूमिका निभाएंगे। इस आंदोलन में किसान नेताओं की मजबूती के लिए जा रहे हैं। जो भी किसान नेताओं का आदेश होगा उसकी पालना होगी। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन देश के हर युवा का आंदोलन है, जिसके अंदर अब सभी लोग जुटते जा रहे हैं। इस दौरान युवा किसान नेता सुरेश नयन कंडहनी ने कहा कि 2 महीनों से अधिक का समय हो गया, किसान इस वक्त भी तीनों बॉर्डर पर धरने पर जमे बैठे हैं। उसके बावजूद भी सरकार अपनी हठधर्मिता पर उतरी हुई है, किसानों की मांग नहीं मान रही। सरकार द्वारा किसानों के दमन ही किया जा रहा है, ऐसे में नौजवानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 3 अवैध कॉलोनियां जमींदोज, निर्माण 3 भवन और 20 श्रमिकों के आवास भी तोड़े गए। गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार विभाग के प्रवर्तन दस्ते ने दिनभर कार्रवाई की। 3 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। गैर कानूनी तौर पर ये कॉलोनियां पटौदी में पसर रही थी, जिसे विभाग के JCB ने साफ कर दिया। तकरीबन 100 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में 3 JCB ने दिनभर तोड़फोड़ की कार्रवाई की, जिसमें 3
अर्ध निर्मित भवनों सहित करीब 20 से अधिक बनाए गए आवासों को तोड़ दिया गया है। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करेगी सोनाली फोगाट। मीडिया के सामने बताई पूरी कहानी। टिकटॉक स्टार रही बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट बिग बॉस के बाद अब बॉलीवुड में बॉलीवुड की ओर रुख कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि चंडीगढ़ में मीडिया के सामने मुखातिब हुई, बताया कि पंजाबी फिल्म में वे गुगू गिल के साथ नजर आएंगी। हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाली सोनाली फोगाट, जिन्होंने वाइल्ड कार्ड से बिग बॉस में एंट्री ली थी, वहां राजनीति की शिकार होकर बाहर आ गई। सोनाली फोगाट ग्रामीण पृष्ठभूमि से, उन्होंने शहर के तौर तरीके सीखे, एक्टिंग के गुर सीखे, राजनीति में लोगों का सामना करना सीखा, दुनिया को समझा और आज भी हर फील्ड को अच्छे से संभाल रही हैं। बिग बॉस ने उन्हें नई पहचान दी। हिसार में पूनिया खापने की प्रेस वार्ता, किसान आंदोलन का किया पूरा समर्थन। हिसार में पूनिया खाप ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में पूनिया खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष भलेराम पूनिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने बताया कि पूनिया खाप किसान आंदोलन का पूरा समर्थन करती है। पूनिया खाप किसानों की हर संभव मदद करेगी। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के लिए खाने रहने की व्यवस्था भी पूनिया खाप अपनी तरफ से करेगा। पूनिया खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि जींद में हुई हमारी मीटिंग में हमने ये फैसला लिया है कि पूनिया खाप के लोग एक साथ मिलकर किसान आंदोलन में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि पहले पूनिया समाज के लोग अलग अलग राज्यों से अलग अलग होकर बॉर्डर की ओर पहुंच रहे थे, लेकिन अब एक साथ संगठित होकर हम किसान आंदोलन में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि किसान किसी एक जाति या समाज से संबंध नहीं रखते, वे सिर्फ किसान हैं। हरियाणा सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करी, लेकिन भ्रष्ट पुलिस अधिकारी सरकार की इस नीति पर कालिक पोत रहे। सोनीपत विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करकोदा थाने में तैनात एक सब इंस्पेक्टर को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उसे वीरवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल सोनीपत के करकोदा थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार गांव परोना की रहने वाली महिला सुनीता के किसी केस की तफ्तीश कर रहा था, जिसकी एवज में उसने सुनीता से 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी। सुनीता ने इसकी शिकायत विजिलेंस में कर दी। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने उसे आज 10,000 रुपये की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। अब नांगल चौधरी को उपमंडल का दर्जा देने की मांग ने पकड़ा जोर। समिति ने निकाला पैदल मार्च। नारनौल को जिला बनाने की मांग के साथ ही अब नांगल चौधरी को उपमंडल का दर्जा देने की मांग भी लगातार उठने लगी है। जिला बचाओ उपमंडल बनाओ संघर्ष समिति नांगल चौधरी ने बुधवार को जन जागरण अभियान चलाया, जिसके तहत बाजार के मुख्य मार्गों में पैदल मार्च निकालकर नांगल चौधरी को उपमंडल बनाने के लिए लोगों का समर्थन मांगा। पैदल मार्च में क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठन, क्षेत्र के नेक नेता भी शामिल रहे। पैदल मार्च के बाद तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा गया, जहां पर इसको लेकर स्थानीय विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि उपमंडल की मांग को लेकर बेवजह मुद्दा न बनाएं, क्योंकि ये मुद्दा सरकार के ध्यान में है और इस मुद्दे की पूरी पैरवी कर रहे हैं। जल्द ही नांगल चौधरी को उपमंडल का दर्जा मिल जाएगा। पटाखा बजाने वाले नंबरदार की बुलेट का पुलिस ने काटा 56,000 का चलान। सोनीपत के गोहाना में ट्रैफिक पुलिस में एक कथित नंबरदार की नंबरदारी तब निकाल दी जब एक अपनी बुलेट बाइक से गर्ल्स कॉलेज के सामने पटाखे फोड़ते हुए जा रहा था। इस पटाखेबाज बुलेटधारी नौजवान पर जब ट्रैफिक पुलिस की नज़र पड़ी तो पीछा करके तुरंत काबू कर लिया गया। जांच पड़ताल करी तो पुलिस ने भी अचंभे में रह गई। आखिरकार में पुलिस को 56,000 का चलान काटकर बुलेट बाइक का पाउंड करना पड़ा। दरअसल गोहाना में बुलेट बाइक से पटाखे बजाने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन कई दिन से सख्त दिखाई दे रही है। इस क्रम में गोहाना जींद रोड पर गर्ल्स कॉलेज के सामने एक बुलेट बाइक पर वाले को पटाखे बजाना समय भारी पड़ा, जब पीछे से आ रही पुलिस की जीप ने उसे देख लिया और युवक को तुरंत पकड़कर थाने ले जाया गया। किसान आंदोलन को लंबा चलाने की जुगत, हर सप्ताह ड्यूटी बदलेंगे किसान। सरकार से तनातनी के बीच दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान आंदोलन को लंबा चलाने की जुगत में जुट गए हैं। पंजाब हरियाणा के किसानों ने एक ऐसा फार्मूला तैयार किया जिसके आंदोलन में भीड़ भी जुटी रहेगी और हर सप्ताह किसान अपने घर भी जा सकेंगे। गांव से हर सप्ताह अलग अलग ग्रामीणों की ड्यूटी लगाई जाएगी। हरियाणा में हर सप्ताह 50-50 ग्रामीणों को धरने पर भेजा जाएगा, जबकि पहले से धरने पर बैठे संबंधित गाँव के किसानों को वापस भेज दिया जाएगा। इसी तरह से रोटेशन प्रणाली लगातार चलती रहेगी। ऐसे में किसान न केवल धरने पर समय दे पाएंगे बल्कि कामकाज की सुध भी ले सकेंगे। ये पूरी रणनीति आंदोलन को लंबा चलाने के लिए तैयार की गई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडोली ने नई रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि हरियाणा में पंजाब के किसानों ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इसके दो फायदे होंगे। पहला तो यह कि कोई किसान ज़्यादा दिनों तक गाँव से भी घर से दूर नहीं रहेगा। दूसरा, धरना स्थल पर भीड़ भी जुटी रहेगी। इसके अलावा हर बार किसान राशन सामग्री लेकर धरने स्थल पर पहुंचते रहेंगे।
फिलहाल हरियाणा की टॉप फटाफट 25 खबरों के इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। किसान आंदोलन पर आपकी क्या राय है? क्या आप सरकार की बातों पर आकर किसानों को मीटिंग का हिस्सा बनना चाहिए? आपको लगता है किसानों का आंदोलन सही है? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय रखिए। हाँ, अगर आप किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय किसान जरूर लिखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबरवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, बेल अर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबरवाली।